हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। आज हम बात करेंगे यूके और कनाडा की चार बेसिक डिफरेंसेस के बारे में कि अगर आप एजुकेशन अब्रॉड का प्लान कर रहे हैं तो यूके बेटर है या कनाडा बेटर है। तो चार मेन जो डिफरेंस है उसके बारे में हम आज बात करते हैं। और सबसे लास्ट में हमने रखा है सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल पार्ट, जो कि अगर आपको पूरा डिफरेंस देखने हैं तो आप एंड तक ज़रूर वीडियो देखें और अभी सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं हम नंबर वन से, यूनिवर्सिटीज़ कैसी हैं, कॉलेजेस कैसी हैं यूके में और कनाडा में। तो कनाडा में फ्रेंड्स एजुकेशन सिस्टम काफ़ी अलग है। अगर हम यूके को देखें, कनाडा के अंदर टू ईयर डिप्लोमास भी आपको मिलते हैं, कॉलेजेस ज़्यादा वहाँ पे प्रेफर करी जाती है, एसपीपी कॉलेजेस है जो कि यूनिवर्सिटीज से भी बेटर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करती है। अगर वहीं हम यूके के बारे में बात करें तो यूके के अंदर 120 प्लस यूनिवर्सिटीज़ हैं, कंप्लीट यूनिवर्सिटीज़ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यूके के अंदर नहीं है। और अगर हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो यूके की जो 5 यूनिवर्सिटीज़ है वो वर्ल्ड की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है फ्रेंड्स। तो एजुकेशन सिस्टम अनडाउटेडली यूके का और कनाडा का दोनों का ही बहुत अच्छा है। कनाडा में आपको कॉलेजेस ज़्यादा मिलेंगे, यूके में पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा आपको मिलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड्स आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है उसकी लेंथ ऑफ कोर्स कितनी रहती है। कनाडा के अंदर क्योंकि कॉलेजेस आपके पास रहते हैं तो आपको 2 ईयर का डिप्लोमा भी मिलता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे और 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मिलता है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखने की है कि आपको डिग्री नहीं मिलेगी, वो डिप्लोमाज होते हैं। और अगर आपको डिग्री चाहिए कनाडा के अंदर तो आपकी 3 ईयर मिनिमम बैचलर्स डिग्री है और मास्टर्स डिग्री के लिए आपको 2 साल की पढ़ाई आपको जो है करनी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर हम इसके बारे में यूके की बात करें तो यूके के अंदर आपको 2 to 3 ईयर्स बैचलर्स डिग्री मिलती है और 1 ईयर के अंदर आपको मास्टर्स डिग्री मिलती है। थर्ड जो नंबर पे रखा है हमने फ्रेंड्स वो है पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। क्या डिफरेंस है कनाडा और यूके में, कैसे आपको मिलेगा उसके बारे में फ्रेंड्स में हम अगर आपको बताएं तो कनाडा के अंदर 1+1 यानी अगर आपने 1 साल का वो करा है पढ़ाई तो 1 साल का वर्क परमिट आपको मिलेगा और 2 साल की अगर आपने पढ़ाई करी है तो आपको 3 साल का जो है वर्क परमिट इशू होगा। इसी की जगह अगर आप यूके में देखेंगे तो यूके में आपका अगर 6 मंथ से ज़्यादा कोर्स है तो आपको 6 to 1 ईयर का प्लेसमेंट ईयर और साथ ही 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है फ्रेंड्स इशू होगा। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि आपकी फ़ीस कितनी रहती है। फ़ीस फ्रेंड्स आपकी पर ईयर कनाडा के अंदर अगर हम बात करें तो 5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, वहीं यूके में अगर हम बात करें तो मिनिमम 8 to 9 लाख रुपीज़ आपकी रहती है। इस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं कनाडा और यूके के अंदर। पीआर आपकी दोनों जगह अवेलेबल है। अभी जनवरी इंटेक के लिए यूके की एप्लीकेशंस ओपन है और मार्च इंटेक के लिए कनाडा की एप्लीकेशंस ओपन है। आपका जो ड्रीम डेस्टिनेशन है वहाँ के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन करवाने के लिए application01@meridian.org या info@meridian.org पे आप अपनी एप्लीकेशन भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। अभी जो आपको करना है वो सब्सक्राइब करना है फ्रेंड्स, बेल आइकन प्रेस करना है और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच।